Hey guys, it's me Swati here. Welcome back to my channel. So guys, आज मैं आप लोगों के साथ share करूँगी how to create this look. जिसमें मैंने कुछ smoky eye look create किया हुआ है. So let's start the video. तो guys, यहाँ पे मैं सबसे पहले apply करूँगी अपना concealer अपने upper eyelid पर. क्योंकि मेरे काफी dark circles हैं, तो it is very important for me to hide this dark circle. जो कि मुझे एक न्यूट्रल सा न्यूड सा शेड देगा. और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा लैक्मे एब्सोल्यूट का कंसीलर. और अब मैं इसे ब्लेंड करूँगी एक बफिंग ब्रश की हेल्प से. गाइज, ये मुझे हेल्प करेगा मेरे जो स्मोकी आई मैंने क्रिएट करना है उसके शेड को पॉप आउट करने के लिए. और अब मैं सेम कंसीलर को अपने अंडर आई एरिया पे भी लगाऊंगी जहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऑरेंज करेक्टर अप्लाई किया हुआ है. गाइस, हमने जब भी ये कंसीलर अप्लाई करना है अपने पूरे चीक बोन के स्टार्टिंग वाले एरिया तक अप्लाई करना है क्योंकि वहाँ तक हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैच द टोन ऑफ बोथ एरियाज. और अब मैं इसे एक ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी. एंड नाउ आई विल अप्लाई माय दिस एनवाईबी कॉम्पैक्ट ऑन माय एंटायर फेस सो दैट जो मैंने कंसीलर अप्लाई किया है वो सेटल हो जाएगा एंड इट विल बी ईजियर फॉर मी टू अप्लाई माई आई शेडो. तो गाइज, नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये NYB का कोल काजल जिसे मैं स्मोकी आई लुक क्रिएट करूँगी. और इसे मैं अपनी अपर आई लिड पर अप्लाई करूँगी. गाइस, हमें कोई इवनली नहीं अप्लाई करना है, जस्ट रैंडमली वी हैव टू अप्लाई दिस काजल. और इसे रैंडमली अप्लाई करके हम अपनी पहले फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करेंगे और बाद में उसे हम ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करेंगे. एज यू कैन सी आई एम ब्लेंडिंग इट विद माई फिंगर्स नाउ. And now with brush. गाइस, हमें इसे बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं ले जाना है. एंड जो नेक्स्ट चीज़ मैंने यूज़ करनी है वो है मेरा ये SFR का स्मोकी आई शेडो पैलेट जिसे मैं अपने अपर आईलिड पर अप्लाई करूँगी जहाँ पे मैंने अभी काजल अप्लाई किया था. तो ये जो काजल है वो हमारे आई शेडो के साथ हमने उसे मर्ज करना है सेम एरिया में सो दैट हमारे काजल की कोई भी हार्श लाइन ना रह जाए. सेम शेड के साथ हमने इसे मर्ज करना है एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से. तो गाइज, अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरा लैक्मे एब्सोल्यूट का आईलाइनर. गाइज, ये आईलाइनर मुझे काफ़ी पसंद है बिकॉज ये बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाता है. इसका ब्रश भी काफ़ी इजी है टू अप्लाई एंड ये एक आपको प्रॉपर मैट लुक देता है. और इसका कलर भी पूरा जेट ब्लैक है और इससे मेरा जो विंग है वो बहुत ही परफेक्टली क्रिएट हो जाता है. तो अब मैं इसे अपने आईज़ पे विंग क्रिएट कर रही हूँ. एंड नाउ आई एम यूजिंग माई मिस क्लेयर आईब्रो पेंसिल टू फिल माई ब्राउज. मैं बहुत ज़्यादा इसे फिल नहीं करूँगी, आई एम जस्ट गिविंग इट अ प्रॉपर शेप क्योंकि मेरी आईब्रोज ऑलरेडी काफ़ी ब्लैक हैं. तो मैं जस्ट इसे बहुत लाइटली फिल करूँगी एंड देन आई विल गिव इट अ प्रॉपर शेप विद द हेल्प ऑफ दिस पुली. I'm done with this now.
तो जो नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पर ले रही हूँ वो है ये मेरा एन वाई बे का कोल काजल, जिसे मैं अपनी लोअर वाटरलाइन पर अप्लाई करूँगी और इसे मैं इसके साथ ही थोड़ा सा स्मज करते हुए अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने लोअर वाटर लाइन पे, लोअर लैश लाइन पे कोई भी शेडो अप्लाई नहीं किया है। तो मैं इस काजल को ही थोड़ा सा स्मज करते हुए अप्लाई करूँगी और अपने लाइनर के एंड तक ले जाऊँगी। गाइस यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा ये लैक्मे का डे क्रीम, जिसे मैं एज अ मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी अपने फेस पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइम बिफोर अप्लाइंग एनी फाउंडेशन और एनी प्रोडक्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हाइड्रेट योर स्किन। तो ये मेरी स्किन को हाइड्रेट कर देगा और मेरी स्किन काफ़ी स्मूथ हो जाएगी मेरे बाकी के प्रोडक्ट्स को अप्लाई करने के लिए। एंड नेक्स्ट टाइम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी प्राइमर, जो मेरे ओपन पोर्स को फिल करने में हेल्प करेगा और जहाँ जहाँ पे मेरे ओपन पोर्स हैं वहाँ पे मैं इसे अप्लाई करूँगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर हम ये प्राइमर अप्लाई नहीं करते हैं तो हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं उसमें हमारा फाउंडेशन फेल हो जाता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर स्किन। तो हम ये ओपन पोर्स पे लगाएंगे जिससे हमारे पोर्स क्लोज हो जाएंगे। एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर फाउंडेशन। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा लैक्मे का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन, जिसमें मेरा शेड है 01, जिसे मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी, अपने चीक्स पे, अपने फोरहेड पे, चिन पे। एंड जिसे मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ही इवनली, एज यू कैन सी आई एम ब्लेंडिंग इट विद माई ब्यूटी ब्लेंडर। So I'm done with my blending and now I'm going to use again my concealer, जो कि मैं अपने nose bridge पे, chin पे, cupid bow पे and forehead पे apply करूँगी to highlight my these areas. और again मैं इसे blend करूँगी blender की help से, beauty blender की help से। तो मेरे ये जो parts हैं, ये जो areas हैं, ये थोड़े highlight हो जाएंगे। And now I'm using this NYB compact to give it a matte look after applying my foundation and concealer. जैसे मैं अपने पूरे फेस पे एक पफिंग ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी, जिससे मेरे सारे के सारे प्रोडक्ट्स सेटल हो जाएंगे अच्छे से और मर्ज हो जाएंगे आपस में। And now I am applying this NYB contour stick to do contouring on my face. तो अभी मैं इसे चीक बोन पर अप्लाई करूँगी और हमें हमेशा इसे अपने अपर ईयर से स्टार्ट करते हुए चीक बोन के एंड तक लेके आना है एंड थोड़ा सा नोज़ पे, अपनी नोज़ को एक प्रॉपर शेप देने के लिए एंड लास्टली ऑन माई चिन एरिया। और इसे भी मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। गाइस हम ये कंटूरिंग अपनी नोज़ पे जब करेंगे तो इसे ब्लेंड करने के लिए हम अपनी फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हमें अपना ब्रश की हेल्प से भी इसकी कॉन्टोरिंग कर सकते हैं फॉर आर नोज़।
एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस माई मिस गोल्ड 3D कंटोरिंग पैलेट, जिससे मैं ये ब्लश अप्लाई करूँगी अपने चीक्स पे. बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई करूँगी, बहुत ही थोड़ा सा, बहुत लाइट हैंड से मैं अपने चीक बोन्स पर ये ब्लश अप्लाई करूँगी, जस्ट टू गिव इट अ यू नो अ बिट ब्लश शेड ऑन माई चीक्स. And now I'm applying this mascara on my lashes. Because मैं यहाँ पे कोई भी falsies नहीं use कर रही हूँ, तो मैं just mascara ही apply करूँगी अपने upper lashes and lower lashes पे to give it a volume. Which will actually enhance my eyes. और अब अपनी लोअर लैशेस पे एंड नेक्स्ट इट इज़ टाइम फॉर लिप्स नाउ. सो हियर आई एम यूजिंग माय स्विस ब्यूटी लिप पेंसिल व्हिच इज़ ए न्यू शेड, जिसे मैं अपने लिप्स पे अप्लाई करूँगी. एंड दिस इज़ इन वेरी क्रीमी टेक्सचर गाइस, एक मुझे बहुत ही प्रिटी सा न्यूट शेड देगा मेरे लिप्स को, क्योंकि मैं जनरली स्मोकी आईज के साथ न्यूट लिप्स ही प्रेफर करती हूँ. तो आई एम अप्लाइंग इट ऑन माई इंटायर लिप्स. एज यू कैन सी, इसने मुझे एक बहुत ही प्रिटी सा न्यूट शेड दिया हुआ है. तो इसके बाद अगर आप चाहें तो थोड़ी सी लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट थोड़ा सा एक क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा आपके लिप्स पे. तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी ये स्विस ब्यूटी की सेम शेड की बुलेट लिपस्टिक, जिसे मैं बहुत ही थोड़ा सा अप्लाई करूँगी अपने लिप्स पे. एंड आई एम डन, दिस इज़ माई फाइनल लुक. मैंने स्मोकी आई क्रिएट किया हुआ है माई न्यूट लिप्स. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप टू माई वीडियो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. एंड टिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय.